करण सर की सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा रिलेशन है इनका सबके साथ, कोई इनको किसी काम के लिए मना नहीं करता, जैसे अभी कह चुके हैं स्वाइप कर लेते हैं, कैमियो कर जाओ आके। सर मैं आपको 5 एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक कोई ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है। आई मीन जो एक्चुअली ऑफिशियली नेशनल टेलीविजन पे, आई मीन यू डोंट नीड टू से एनीथिंग पर्सनल, वेरी पर्सनल, बट यस लाइक दैट, लाइक ओके, द फर्स्ट वन इज करीना कपूर। करीना कपूर ना और रणबीर कपूर में दोनों है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अच्छा, एक होता है करीना कपूर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, okay. और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर उनके रणबीर कपूर है। तो ये जो भाई बहन है ना, ऐसी इंडस्ट्री की कोई खबर नहीं जो करीना कपूर नहीं जानती। वो सुबह उठती है और उसका अपना इंफॉर्मेशन का काउंटर खुल जाता है, वो ऑनलाइन जाती है फोन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और शाम तक उसको सब पता हो जाता है, कौन क्या पहन रहा है, किस एयरपोर्ट से क्या निकल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोई किसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ। और फिर शाम को अगर रणबीर कपूर को मैं फोन कर लूं तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, मुझे वही बता। तो ये है उनकी खासियत। ओके, बड़ी अच्छी खासियत है वैसे। व्हाट अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा? सिद्धार्थ मल्होत्रा हैज अ ग्रेट लव फॉर एनिमल्स। अच्छा, उनके शायद कोई इंसान के साथ कुछ हो जाए उनके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन एनीथिंग, ही इज वेरी वेरी बिग सपोर्टर ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल वेलफेयर, लाइक अनुष्का शर्मा। वेरी नाइस। और अनुष्का शर्मा का भी यही प्रॉब्लम है। अनुष्का शर्मा एक शॉट दे रही थी दिल है मुश्किल में, और वो बीच शॉट में वो कर रही थी कुछ एक्टिंग, और सडनली शी टर्न्ड अवे बिकॉज उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वाज क्रॉसिंग द रोड एंड वाज किसी ओनर के साथ नहीं था। okay. तो बीच शॉट में वो भागने लगे कहीं, और मैंने सोचा उसको कोई दौरा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो गया उसको, कि बीच शॉट में उसने शॉट छोड़ के भागने लगी। सडनली शी वेंट अक्रॉस द रोड एंड पिक्ड अप दिस डॉग एंड सेव्ड एंड आई फेल वेरी गुड। इट्स अ गुड नाइस। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी यही है कि, और उनका अपना एक डॉग है ऑस्कर, और वो आई थिंक वो ऑस्कर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो ही उनका ऑस्कर है। और ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम सेम लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, आई लव एनिमल्स। वेरी गुड। एंड वन थिंग अबाउट दीपिका पादुकोण, आई लव पादुकोण। दीपिका पादुकोण बहुत टॉल, ब्यूटीफुल और सेक्सी है, लेकिन वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव है, ये शायद लोग नहीं जानते, क्योंकि हमेशा उनका एकदम पॉइस की तरह बैठती हैं, ठीक तरह बोलती हैं, जब वो डांस करती हैं उनकी अदाएं परफेक्ट होती हैं, लेकिन उनके दिल के मामले में वो बहुत 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 ओवरटली सेंसिटिव है, बहुत आसानी से रो लेती हैं दीपिका। सेम हेयर दीपू। वन थिंग अबाउट शाहरुख खान। वन थिंग अबाउट शाहरुख खान की वो बाथरूम में 4 घंटे बिता सकते हैं। अब वहां करते क्या है आज तक मैं और गौरी और बच्चे नहीं समझ पाए। जैसे शाहरुख खान कहता है कि मैं बाथरूम जा रही थी, से नो सारे बता नो, तो उसके बाद 4 घंटे गई के नहीं गए, पता नहीं उस बाथरूम उस अपना लाइब्रेरी बना लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, पता नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान 4 घंटे बाथरूम में नहीं बैठ सकता। 1.5 घंटे तक तो मैंने देखे हैं, मतलब मैं नहीं, इनका 4 घंटे का जाते, जैसे ही बाथरूम गए जस्ट कैलकुलेट फॉर अस। और दिया देते कि शाहरुख जब कहे ना कि आई एम 10 मिनट्स अवे, ओके, कभी उस बात का यकीन नहीं करना चाहिए। वो शायद थाने में होंगे और आप मलाबार हिल में, हिल से आई एम 10 मिनट्स अवे, लेकिन कि शाहरुख खान है, उनका इंतजार करना तो बनता है बिल्कुल। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट एक्चुअली बहुत क्लेवर है, ये लोग नहीं जानते। ये एक दिन उन्होंने वो प्रेसिडेंट का नाम वो नहीं कह पाई तो सब आलिया भट्ट के जोक्स मारने लगे। एक्चुअली आलिया भट्ट से ज्यादा क्लेवर इंडस्ट्री में कोई लड़की है ही नहीं, बहुत ब्राइट है वो वाकई अपने बाप की बेटी है, और रोज अपने बाप से कुछ 2-3 क्लेवर लाइन सुन के आ जाती है और हमें बोल देती है। एक्चुअली आलिया है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, वैसे लोग बना देते हैं कि एक बात का गलत जवाब दे दिया। कल तो मैं कहीं ट्विटर पर पढ़ रहा था, किसी ने एक नया जोक बनाया, कहते आलिया किसी से पूछ रही थी कि 2000 के नोट में जो चिप है उसमें कितने गाने बनवा सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन थिंग अबाउट कपिल शर्मा। आई मीन समथिंग स्पेशल अबाउट हिम, अबाउट कपिल शर्मा, या दैट गर्ल्स फाइंड कपिल शर्मा वेरी सेक्सी। आपको पता नहीं, आपकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है आप भी दंग रह जाएंगे। पता पता नहीं क्या आप में क्या बात होती है, जब लड़कियां
ये अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है सर. In fact, you can recite a poetry now if you like in English. So you know, it's just rumors about me that I cannot speak English, but I, you know, I'm very much good in English. Yeah. I know, and I discovered that when we did a show together. और दूसरा ये ट्वीट बड़े स्वीट करता है. हाँ, और वो भी रातों के बीचों बीच, पता नहीं आपको आप में माता आ जाती है क्या? ये चीजें तो करण सर से सीखने वाली हैं सर. कोई भी मुद्दे को ले लो, आप जितनी मर्जी देर बोलते रहो और मजेदार बोलते रहो. यू फ्लो लाइक अ रिवर. अरे थैंक यू सर. फर्र करके ठोको गुरु ठोको. मैं वाकई अच्छी प्रीति बोल रही थी. मैं वाकई आई वांट टू ब्रिंग माय मदर ऑन दिस शो. शी लव्स द शो. शी इज अ ह्यूज फैन. वो रात को देख, मैं इसलिए सारे कैरेक्टर्स को मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं रात को मैं देख रहा था उनके साथ. वो रिपीट पे वो देख रही थी और वो रिकॉर्ड करती हैं, फिर रिपीट पे देखती हैं, फिर बार बार देखती हैं. उनको अच्छा लगता है. करण सर इतने बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आए हुए. अच्छा पाजी, मुझे पता था एक ना एक दिन करण सर मेरे को जरूर मिलेंगे. ये कॉम्बो देखा कभी? चप्पल, निक्कर और कमीज के ऊपर टाई. ये तो कुछ भी नहीं है. मैं पाजी ऊपर से बीए पास हूँ, नीचे से बीए फेल हूँ. ये तो कुछ भी नहीं. इसकी कमीज खोल के देख लेना, नीचे से ब्लाउज पहना होगा इसने. इसकी ड्रेस सेंस आप बहुत इंटरेस्टिंग है. वैसे आप मुझे आपकी फैशन बहुत अच्छी लगी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. और बड़ी बात है, कंसिस्टेंट बहुत है. आप इसका नी देख लो, घुटना, मुंह सेम फीचर्स. कपिल शर्मा प्लीज आप मत बोलिए. करण सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ. क्या? क्यों? अजीब. मैंने क्या बिगाड़ा है? सर मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है. बहुत बढ़िया जी. आपका शुरू हुआ है? जी बिल्कुल. प्रोग्राम जी. आपको देखते हैं लोग? सर मैंने इसलिए अपना प्रोग्राम शुरू कर लिया कि मैंने सोचा मैं इनके शो में कब तक काम करता रहूंगा. मेरे अपने भी फैंस हैं इधर वाली सारी ऑडियंस मेरी है. तो मैं सर अभी प्रोग्राम का सारा सेटअप लेकर आता हूँ. मेरा सेटअप कहाँ है यार? एक तो की करन दे तू. यहाँ बैठना है? जी सर बिल्कुल. अच्छा जी. अच्छा ये क्या? लेकिन मैं तो चाय पीता नहीं. चंदू चल, तेरा शो पहले फ्लॉप. काम ही खराब हो गया. तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे फ्लॉप होगा? हम जलेबी रख लेते हैं. जलेबी? उनको क्या पता वो मालाबार हिल्स में पले बड़े. उनको क्या पता जलेबी क्या होती है? मैं बताता हूँ जलेबी क्या होती है. जलेबी होती है मिठाइयों की कैटरीना कैफ, जो घूम घूम कर अपनी आइटम बना लेती है. और आफ्टर द जलेबी देयर इज अ चिप चिप, एंड आफ्टर चिप चिप सी इधर एंड उधर, देन यूज सोफा. But not lungi, because if you use lungi, there are chitties. Chitties coming and attack. So chai is safe, sir. जी सर. ओए ये कहाँ से निकाले तूने? क्वेश्चन सारे गर्म कर दिए तूने. पाजी अगर मैं चाय गर्मा गर्म दे सकता हूँ तो क्वेश्चन गर्मा गर्म क्यों नहीं दे सकता हूँ? सही है. सर सबसे पहला सवाल है, सबसे आपको अच्छी टांगें किसकी लगती है, जैकनील फर्नांडिस या फिर तंदूरी चिकन? मुझे फिलहाल आपकी टांगें बहुत अच्छी लग रही हैं. नजर ना लगे टिक्का लगवा दो वहां. तो मुझे लेकर आप कौन सी फिल्म बना सकते हैं? इंटरवल. पर तुझे लेके बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती है एक्चुअली. करण सर की सारी फिल्में देख लो. ये ग्लास कब धुलेंगे? कब कब धोता है? कभी बिस्कुट कभी मट्टी, कभी चूल्हा कभी भट्टी. खैर जोरदार तालियां करण सर के लिए, इन्होंने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं. तो सर इसके लिए आपको मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें बेडरूम से लेकर बाथरूम तक जाने का सारा सामान होगा. बेडरूम से बाथरूम जाने का सामान? हाँ जी. वो क्या होता है? जब आप गिफ्ट हैम्पर खोलेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है. सो जोरदार तालियां हमारे करण सर के लिए. गिफ्ट हैम्पर इज रेडी. जोरदार तालियां.
मुझे खोलनी है जी बिल्कुल सर इसको खोलो सर इसमें कोई भरोसा नहीं क्या डाल के दिया इसने व्हाट इज दिस आई डोंट नो इज इट अ गमचा करण सर यू नो यू आर ए मलाबार हिल बॉय वहां पे ये नहीं ये मीरा रोड टाइप कच्चे हैं अच्छा जिनका था उन्होंने पहन लिया ओ ये कच्चे हैं एक काम कर इसको थोड़ा सा टाइट करा के ना अपने मुंह का कवर बना हाउ लवली इज दिस कोको नो नो इस चाय पत्ती राइट आई टी लीफ वो भी यूज की हुई है दोबारा सुखा के पैकेट में डाली बदतमीज आदमी This is sabun. Sabun. Fragrance. I love the shades. Blue, light blue, white, beautiful. Okay, thank you. Eee! ये क्या है अदरक कौन देता है? Oh, अदरक है. Oh. आपको क्या लगा था? ये गाना है ना लॉन्ग वाचा ये वो है ना लॉन्ग नहीं सर ये हरी इलायची है लॉन्ग अलग होता है Oh, I don't know the difference. Yeah, you take. तेरा सारा गिफ्ट टेम्पर तेरे मुंह पे मारे लाना था तेरे शो पे ये क्या दे रहा है उनको मेरा शो हिट है ये टोकरी रही ये भी चल भीख मांग जाके बाहर देखो मेरी बात सुनो मेरा शो हिट हो गया है देखो कैसे जल रहे हैं सेल्फी लेंगे हम जाते जाते प्लीज सेल्फी लाइए जी सर यहां से ऑन होता है आपका भी होना जरूरी है इधर आओ यार मेरा शो हिट हो गया है पहले सेल्फी मोड ऑन कर ओ उधर सेल्फी मोड ऑन कर पहले उधर क्या देख रहा है सो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए चाय विद चंदू और अपने आसपास के चाय वालों को पैसे देते रहिए शुक्रिया सर शुक्रिया थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू थैंक यू चलो हट आइए सर उसके मुंह लग रहे हैं आप आइए बहुत लोग हमें लाइटली ले रहे हैं फालतू में हमारे शो में कोई भी घुस आता है करण सर एक बात बताइए मैंने सुना आपने फ्रेंच लैंग्वेज में काफी अच्छा खासा डिप्लोमा किया है वी हाँ जी वी वी का मतलब फ्रेंच में यस होता है ओके यस वी बोलो वी 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 नहीं होता वी मैं मर गई वी वो 80s वाला वी है ये है वी वी थोड़ा रोल करो अपने टंग को वी अच्छा हिंदुस्तान में लोगों को फ्रेंच में दो ही चीजों में इंटरेस्ट है एक फ्रेंच किस और दूसरी फ्रेंच फ्राइज तो सर आपने ना तो किसी फ्रेंच हीरोइन को लॉन्च किया आज जी, जी, जी. हमेशा आप बॉलीवुड में हमारे हिंदुस्तानी हीरोइंस को लॉन्च करते हैं फ्रेंच आपका इंटरेस्ट कैसे आया मतलब फ्रेंच किसिंग से देखिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की पब्लिसिटी भी करना चाहूंगा यहाँ लगे हाथ उनका भी कर लूं जी. ये बेफिक्रे में फ्रांस में उन्होंने शूट किया पेरिस में ओके और बहुत किसिंग के परफॉर्मेंस क्योंकि फ्रेंच किसिंग बहुत एक स्पेसिफिक आर्ट है इसलिए मैंने फ्रेंच सीखी ताकि मेरी किसिंग की क्वालिटी बेहतर हो जाए क्योंकि जब वो बोलते हैं ना तो आपने ऐसे होता है तो वो किसिंग बेटर हो जाता है वी जे स्वी ट्यूए Oui. Voulez-vous coucher avec moi? Uska matlab kya hai? Uska kya matlab hai? Will you like to sleep with me? Main aapko iska Punjabi version batau? Haan. Aao, ek ek kamre do do ho jiye. Ek aur bhi mazedar hai Gujarati mein. Tab main aavu chuka main aavi jaun. काफी इंटेलेक्चुअल बातचीत हुई हमारे करण जौहर के साथ बहुत ही रोमांचक सफर रहा पाजी आपको पता है फिल्म बाहुबली ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर हिट 700-800 करोड़ रुपए कमाया उसने उसमें करण सर भी प्रोड्यूसर हैं साथ में अच्छा सर आपको तो पता होगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था देखिए हम क्या है हम प्रेजेंटर्स हैं उस फिल्म के फॉर द हिंदी वर्जन ओके तो उसे कहते हैं चांस पे डांस तो हमने हमें चांस मिल गया हम डांस करने लगे और बाहुबली में हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारा नाम उस फिल्म में आ जाता है हम बहुत ही खुश हैं कि इतनी कमाल की पिक्चर में हमारा नाम है और आप बिलीव नहीं करेंगे
मैंने खुद ये राजा मौली सर जो फिल्म के निर्देशक है मैंने खुद ये पूछा है और वो हंसने लगे. वो हंसने का जवाब तो था ही नहीं. वो हंसने लगे हा, हा, हा. मैंने बोला कि किसने क्यों मारा मुझे कोई बताएगा. पार्ट टू मैं भी नहीं जानता. ये अप्रैल को रिलीज होने वाली है तब नेशन वाइड पता चल जाएगा कि ये सवाल का जवाब क्या है. मुझे खुद नहीं पता. करण सर के पापा ने बहुत अच्छी अच्छी यादगार फिल्में बनाई हैं. बड़ी ही मेमोरेबल फिल्में हैं. सर मैं कुछ एक डायलॉग आपके पापा की फिल्म से आपको देता हूँ. आपको अपने स्टाइल में बोलना है. हे भगवान. ऐसे ही मस्ती के लिए. काला पत्थर का डायलॉग है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं. कोई लेमन सोडा नहीं है जो थर से खोला और फर से पी गया. Tuesday's blood is not lemon juice that I won't slurp and burp with it. आज तो साइकिल भी टल्ली लग रहा है मुझे. 500 का नोट क्या बंद हुआ. दुनिया हिली हुई है डॉक्टर साहब. दुनिया नहीं हिल रही. आपने पी रखी है. नहीं नहीं यार मैंने नहीं पी हुई. आपके मुंह से यहां तक स्मेल आ रही है. मेरी तो जुराबों से भी स्मेल आती है. उसने भी पी हुई है फिर. अच्छा मैं चलता हूँ. दुआओं में याद रखना. हेलो डॉक्टर साहब कहाँ चलते हैं. करण साहब आए हैं. कोई हेलो आए तो हो जाए. आप देख कहाँ रहे हैं डॉक्टर साहब. देखिए वेरी मच एट यू. आप प्लीज इसे समझाइए कुछ इस आदमी. करण साहब यहाँ बैठे हैं इधर. नहीं मैं तो मच्छर पुकार रहा था भाई. डॉक्टर साहब मैं एक बात बताओ. दो बात कौन पीता है जितनी आपने पी है. मेरे को मेरी बात सुनो पकल शर्मा. अपना चपल शर्मा नहीं जो भी तुम शर्मा हो. मैंने पी नहीं हुई है. मैं तुमको बता चुका हूँ. आप क्यों नहीं बताते. नाम का है मिश्र लाठी. शाहरुख खान जी आप बताइए इनको. मैंने नहीं. ये शाहरुख खान नहीं करण जौहर है ये. मुझे पता है. मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था. एज ए डॉक्टर हमको बहुत टेस्ट लेने पड़ते हैं. Hi, I'm Dr. Mishra Gulati, MCBH. MCBH मतलब? मेरी कैपेसिटी बहुत है. अंदर के बाहर. अंदर. वैसे बड़ा अच्छा कॉफी बनाते हैं आप. मेरा मतलब वो शो है आपका. वेरी नाइस. आप कॉफी बनाते हैं लोग उसकी कॉपी करते हैं. पता है आपको. पता है. कुर्सियां लगा के ना लोगों को बिठा के इंटरव्यू वगैरह लेते रहते लोग. Point to be noted, my lord. मैं चाहता हूँ जमाने में लोग मेरे को सम्मानित करें. Okay. कोई करेगा नहीं मेरे को सम्मानित. इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपना सम्मान करूंगा. स्पीच भी दूंगा मैं. स्पीच आप कहाँ से देंगे. जबान आपकी लड़खड़ा रही है. अभी नया नया चलना सीखिए ना मेरी जुबान तो इसलिए लड़खड़ा रही है. लड़खड़ाते ही हैं. शायद सवार मैदानी जंग में. क्यों सिद्धू साहब इधर है. हैं जी इधर है. सिद्धू साहब सिद्धू साहब कहाँ नहीं है. सिद्धू साहब. सिद्धू साहब पटियाला में. सिद्धू साहब अमृतसर में. सिद्धू साहब दिल में. हर आदमी के दिल में सिद्धू साहब. बस इसको कोई ढूंढने वाला होना चाहिए. जरूरत होती है तो बस कहने की भी ठोको तो सिद्धू साहब आ जाते हैं बाहर. डॉक्टर साहब एक बात बताओ. अगर आपने पी नहीं हुई yes. तो ये आपकी शर्ट जो है पेंट के अंदर ऐसे बंदी क्यों हुई है. इनका फेयर चल रहा है. जिप के साथ. ए, टेलर की शॉप में अफेयर इनका शुरू हो गया था. वहां मुलाकात हुई थी. डेटिंग ही चल रहा. लेकिन दुनिया के सामने कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स. डॉक्टर साहब सही से बताओ आपने क्यों पी हुई है. कोई पीता है गम बुलाने को. कोई पीता है खुशी के मारे. मैंने पी हुई है क्योंकि मेरे जेब में 70 रुपए थे. 70 रुपए कहाँ से आए आपके पास. कहाँ से आए मतलब क्या. मैं किसी और के लिए एटीएम की लाइन में लगा हुआ था. 25 रुपए घंटे का रेट चल रहा है वहां पे.
ऐसे बड़े कामों के ऑफर आते हैं मेरे को करण जी यार, मैं तो तुम्हें भी थोड़ा सोचता हूँ काम दे दूँ, खाली बैठे इंटरव्यू करते रहते हो। क्या काम देंगे आप? देने का तो मेरा दिल कर रहा है आपको, एक गाली समझ में नहीं आ रही कौन सी दूँ। ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करा देने मैंने। ऐसे तब दोगे ना, पहले कमा तो लो। यार तुमसे बात नहीं करने मेरे को। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। डॉक्टर साहब ये साइकिल है, ट्रेडमिल नहीं है। मेरा पीछा नहीं करना, वहीं खड़े रहो अपना, तो इंटरव्यू करते रहे, मैं डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हेलो, मेरे पीछे नहीं आना। अरे आपका साइकिल स्टैंड पे लगा हुआ है। अरे हम स्टैंड लेता है अपनी बात का, इसलिए समाज में हर आदमी को स्टैंड लेना चाहिए। You must take a stand. अच्छा चलता हूँ दवाओं में याद रखना, थोड़ा महंगा हूँ फीस का हिसाब रखना, जितना कैश पड़ा है तुम्हारे घर पे 31 दिसंबर से पहले जमा करना, चखना ले आना ले आना, चखना ले आना ले आना, चखना ले आना ले आना विद सोडा, चखना ले आना ले आना, चखना ले आना ले आना, चखना ले आना ले आना विद सोडा। कभी कभी विस्की कभी रम, मिस्टर ना करण जी जी, आईपीएल साल में एक बार होता है जी, लेकिन हमारे यहाँ रोज होता है। वो कैसे? लेट्स हैव आईपीएल रॉक टाइम, टाइम टू सेलिब्रेट, दिल मुश्किल लाइफ, लेट्स, आई विल टेल यू। साइकिल पे बैठो, साइकिल पे।